हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, शहनाज ने बात की आरती से, जी हाँ, वीडियो कॉल पर, और उन्होंने इसे पोस्ट भी किया। बहुत ही स्वीट सा जेस्चर है। और ये भी बताया भाई क्यों नहीं पहुंच पाई आरती सिंह की शादी में। जी तो चलिए पूरी बात बताएंगे आपको, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। यही नहीं, आरती ने भी कुछ पोस्ट किया है, वो भी दिखाएंगे। शहनाज ने कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, सब कुछ दिखाएंगे। अभी दो तीन दिन पहले ही जब शहनाज ने इनकी कुछ पिक्स को लाइक किया था, तब मैंने कहा था कि भाई बात हुई है दोनों की, और शहनाज की तरफ से एक स्वीट सा जेस्चर दिखाया गया है। और डेफिनेटली शहनाज को इनविटेशन मिला होगा, वो अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से नहीं जा पाई शादी में, क्योंकि वो मुंबई में थी ही नहीं, है ही नहीं भाई। उनके गाने का शूट चल रहा है, मैंने बताया था अभी आपको, सचदेवा जो सिंगर हैं उनके साथ उनका शूट चल रहा है, जिन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का गाना गाया था। तो चलिए बताती हूँ कुछ और बातें। कुछ फैंडम्स मिलके, या कहें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के पीआर मिलके शहनाज के ख़िलाफ़ नेगेटिव एक ट्रेंड चलाना चाह रहे थे, नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे शहनाज क्यों नहीं आई। पता है आरती सिंह की पोस्ट के नीचे कितने सारे कमेंट्स ही होते थे, शहनाज को इन्वाइट नहीं किया तो तुरंत उसमें पता है कितने सारे रिप्लाई होते थे, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन्जॉय कर रही है उत्तराखंड में। ये भाई न्यूट्रल ऑडियंस को क्या ही मतलब है कि कहाँ शहनाज है और कौन से बॉयफ्रेंड के साथ वो इन्जॉय कर रही हैं। कहीं किसी को कोई जानकारी, कहीं कोई पिक्स नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है यार। तो ये सिर्फ जानबूझ के एक नेगेटिविटी को फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि शहनाज नहीं आई हैं क्योंकि वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन्जॉय कर रही हैं। तो भाई शहनाज गिल का आ ही गया, जब सचदेवा ने ट्वीट करके और पोस्ट करके बताया कि भाई उनका शूट चल रहा है गाने का। ओके, ये शहनाज ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है और ये वीडियो कॉल पर बात की है। आरती बहुत क्यूट लग रही है, और पता है क्या, शहनाज ने दो दिल बनाए हैं। हाय, कैसा लग रहा है कि सिद्धार्थ की तरफ से भी विश किया है उन्हें। और ज़रूर जब इनकी बात हुई है वीडियो कॉल पर तो बहुत सारी बातें हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइम से बहुत अच्छी दोस्त रही होंगी, लेकिन ग्रजेस नहीं थे दोनों के मन में, ये साफ है। शहनाज ने तो मतलब, आप जो आरती की भाभी हैं, सबको लग रहा था शहनाज क्यों जाएंगी, आरती ने इतना बोला है, उनकी भाभी ने इतना बोला है। अरे उनकी भाभी शहनाज की पार्टी में आई थी, जब शहनाज के भाई शहबाज के सॉन्ग गाने की पार्टी रखी गई थी, तो आपको याद है ना, कश्मीरा आई थी, उसमें सबने कहा था कश्मीरा से कैसे दोस्ती हो गई, कश्मीरा के साथ वो कई पार्टीज में नज़र आई हैं। तो जब उनके साथ ग्रजेस नहीं रखे, जिन्होंने उनका बर्थडे ख़राब कर दिया था, बिग बॉस की बातें बिग बॉस में ख़त्म कर दी हैं, वो बहुत पीछे छूट गई हैं। ये एक न्यू जर्नी है पॉजिटिविटी के साथ, कि सबसे मिलना है, सबको विश करना है, सबके साथ इंजॉय करना है, सबको अच्छी विशेस देनी है। और जो शहनाज ने मतलब स्टोरी पोस्ट की, उसको आरती ने रिपोस्ट किया और लिखा मिस्ड यू। आरती ने हालांकि एक दिल बनाया, लेकिन शहनाज के दो दिल से फैंस कह रहे हैं कि सच में ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ की तरफ से भी विश किया है, और आरती से ज़रूर बात रही होगी। और एक बात तो देखना, आरती सच में ये एक ऐसी शादी रही जहाँ दुल्हन दुल्हन लग रही थी, है ना, कि वो नर्वसनेस भी चेहरे पे और वो ग्लो भी चेहरे पे, जो एक ब्राइड के चेहरे पे होता है, सच में ये सबको बहुत पसंद आई आरती। सरप्राइजिंगली आरती ने न्यूट्रल ऑडियंस का और काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया, जिस तरह से वो अपनी शादी में रही, कि हाँ भाई शादी शादी जैसी लगी, दिखावा नहीं लगा और ना ही कोई ज़्यादा इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ, बहुत स्वीट और बहुत क्यूट से फंक्शंस थे उनके। ओके गाइस, थैंक यू।